अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा अपना जुबैर मामी आज अस आए होते हैं थल दिला के छोले छोले दे दे होते हैं सारे नाल एक सारा दोस्त भी है एक भी दिखाया सुनो भाई थोड़ा के माहौल है। तो वीडियो शुरू करूँ तो पहले सारी निकी डी रिक्वेस्ट नहीं अगे होती है कि सारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो लाइक करो और सारे लिंक को शेयर करो। तो अज तक दिखाया सुनो असर थल लगे मौसम होता इतना छोले थीने छोले हाली मसें बिजाई महीना डेढ़ थी है लेकिन हाली छोटे छोटे हैं लेकिन नहीं तक पता मौसम की चेंजिंग है सर्दी वगैरह शुरू है तो दिखाया सुनो भाई तुझे क्या हालात होने थल दे। अब मैं अपने कैमरा मैन को आखसा कि तक छोलियाँ का कुछ नज़ारे दिखाया सकते उन्होंने जरा हूँ नहीं तक पता बारिश आई है बिच हल्का फुल्का कुजा थी लेकिन वहाँ हौले हौले कड़े नहीं पी है तो तक दिखाने हैं बस छोलियाँ के नज़ारे हैं जिन्हें कि दोस्तों हैं तुम मेरे पिछले देते पे सारे छोले हैं गरीब आवाम जी बरून बेल्ट के लोग हैं उन्होंने सारा फोकस इन्होंने छोलियाँ पर आता है लेकिन पिछले कुछ साल तो जल्द छोले की कपाई का टाइम आता है उस टाइम बारिश लगती है या हवा फिर हो छोले खराब थी वन लेकिन गरीब आवाम भी सारा दारोमदार जो पूरे साल तक फोकस आता है वो इन्होंने छोलियाँ डिपेंड करें अगर ये साल अच्छा लग गया इंशाल्लाह जो सारे गरीब भीरा हैं गरीब लोग हैं उन्होंने जो पिछले कुछ साल जी फसल उन्होंने नुकसान जो दो त्रै साल उन्होंने गैप आया है इंशाल्लाह अल्लाह ताला को दुआ करे सो कि ये गैप उन्होंने कवर थी वे तो यकीन तो सर ये प्यास कि हाली छोले बहुत छोटे हैं कम से कम ये त्रै चार महीने बाद फुल तैयार हुए थी सन बात इन्होंने कपाई थी सी दे दी हूँ अगर के हालात हैं अल्लाह ताला पता नहीं क्या करने रहा है जो भी करेसी अल्लाह ताला अच्छा ही करेसी। तो दोस्तों अस हम अपने पूछते हैं कि जो सा दोस्त स्पेशली फतेहपुर चो आया सारा थल का इलाका देखन पहले तो इन्हें को पूछते हैं भाई जान थोड़ा ना के वकास शाह। अच्छा वकास शाह तुम सब ये दसो कि तुम थल इलाके चाहे मौसम ये माहौल तो किमें लगे। बड़ा अच्छा लगे यार बड़ा पसंद आया अस यो जै इलाके के शौकीन आसे अज अस आखे चलो वन के देख आऊँ बड़ा अरसा थी गया अस आया को से चलो मैं क्या चक्कर लाऊँ दोस्त दोस्त इन पे अपने उन्होंने को बैसूँ गप शप भी लासूँ इलाके का एक दफा देख भी आसूँ बोला चलो ये भी बड़ी थोड़ी मुहब्बत।